अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम में हमारी मुर्गी अंडा देना क्यों बंद कर देती है, या सर्दियों में हम मुर्गियों से ज़्यादा अंडे कैसे ले सकते हैं? मुर्गियों के अंदर प्रोटीन और नमकियात की कमी की वजह से होती है तो हमारी मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है। इसकी मेन वजूहत ये है कि हमारे घरों में मुतवातर खुराक नहीं दी जाती। हम घरेलू सतह पर ही इसको चारा वगैरह या रोटियां वगैरह कोई भी चीज़ इनके आगे डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कैल्शियम की कमी या प्रोटीन की कमी या नमकियात की कमी पूरी नहीं होती। आज मैं आपसे दो ऐसे फार्मूला शेयर करूंगा जिससे आप मुर्गियों से आसानी से अंडे हासिल कर सकते हैं, चाहे आप घरेलू सतह पर फार्मिंग कर रहे हैं या आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो नए आने वाले हज़रात हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पोल्ट्री के रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। चलें बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपसे दो फार्मूले शेयर करता हूँ। बरसीन या लूसन के पत्ते 2 किलो लें, मकई आपने 1.5 किलो लेनी है, गंदम भी आप 1.5 किलो लें, ये टोटल बन जाएंगी 5 किलो। मकई के दानों का आपने दलिया बना लें और इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। इनको ये सुबह शाम खिलाएं, इंशाल्लाह इससे मुर्गियों के अंडों की पैदावार में भी इजाफा होगा और मुर्गियों की प्रोटीन की जो कमी है वो भी पूरी होगी और मुर्गियां बहुत जल्द अंडा देना शुरू कर देंगी। ये जो हमारा टोटका है, आप घरेलू सतह पर और कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों की मकदार को बढ़ा दें, लेकिन याद रहे कि तमाम चीज़ें आप हम वज़न लें और अपनी मुर्गियों को सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको भी ये अमल बहुत पसंद आएगा। अब आते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। फार्मूला 2 शेयर करता हूँ। गंदम का दाना 1 किलो, चोकर 1 किलो, मकई भी आप 1 किलो लें और साथ इसके बाजारी कमर्शियल जो फीड 13 नंबर फीड होती है आप 3 किलो ऐड करें। ये टोटल हो जाएंगी 4 चीज़ें। इसको मिक्स कर लें, लेकिन याद रखें कि मकई का आपने दलिया बनाना है, इन चीज़ों में शामिल करना है और आप इनको सुबह शाम खिलाएं। इससे आपकी मुर्गियों की कुव्वते मुदाफ़त भी बेहतर होगी, इंशाल्लाह इससे अंडों की पैदावार में बहुत जल्द और ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि जब आपकी मुर्गियों में अंडों की कमी होती है, इसकी मेन वजह यही होती है कि हम अपनी मुर्गियों में खुराक और पानी का बेहतरीन शेड्यूल नहीं रखते, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रोटीन और कुव्वते मुदाफ़त कम होती है। तो आप इस तरीका को आजमाएं, ये बहुत ही आसान तरीका है और फार्मूला है। इससे आपके अखराजात में भी कमी आएगी और मुर्गियां मुसलसल और लगातार अंडे देंगी। अगर ये मेरा तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पोल्ट्री के रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।